अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमाम मेरे दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं एक और बहुत ही प्यारे से नेट फ्लावर के साथ हाजिर हूँ आपके सामने एक वीडियो लेकर। ये देखिए, ये वो फेस मटेरियल है जो कि नॉर्मली फ्रॉक से या किसी भी उस कमीज वगैरह से आपका वेस्ट मटेरियल बच जाता है, तो आप इसे फेंकिएगा नहीं, इनके आप इससे बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर बना सकते हैं और उस फ्लावर को आप अपनी बेबी के शर्ट पे लगा सकते हैं। मैंने दो पीसेस लिए हैं, एक मैंने छोटा पीस लिया है। ये छोटा पीस जो है इसकी मैंने लेंथ रखी है 35 सेंटीमीटर। ये देखिए, ये छोटा पीस है, ठीक है। तो इस छोटे पीस की मैंने लेंथ रखी है 35 और इसकी जो मैंने विड्थ रखी है वो ये देखिए, ये 9 सेंटीमीटर रखी है, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं जो बड़ा वाला है उसकी मैंने 65 इसकी लेंथ रखी है, इसकी लेंथ मैंने 65 रखी है। और अगर मैं इसकी वेट की बात करूं तो इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने रखी है देखिए 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम छोटा वाला लेंगे, छोटे वाले फ्लावर के लेके छोटे वाला फ्लावर बनाएंगे जो स्मॉल फ्लावर होगा। ये देखिए इस तरीके से इसको डबल कर देंगे। ये चौड़ा था जब अब इसे हमने यूँ किया, फिर हमें नीडल की मदद और धागे की मदद से, सुई धागे की मदद से इसे सिक्योर कर लेंगे। ये देखिए इस तरह, इस तरह छोटे छोटे से टांके लेके, छोटे छोटे से टांके लेके आप इसे सिक्योर कर लीजिए। अब देखिए, अब हम एंड पर आ गए हैं। ये देखिए इस तरह, एंड पर आने के बाद आपने जो पहला वाला है, जो सबसे स्टार्टिंग जो थ्रेड है, ये देखिए इस तरीके से थ्रेड है उसको, और ये जो लास्ट वाला थ्रेड है उसे आपस में इस तरीके से बनाकर इसे राउंड शेप दे देनी है इस तरीके से। फिर हम इसे एक नॉट बांध देंगे और इसको सिक्योर कर देंगे। ये देखिए लास्ट में हम इसके नॉट बांध देंगे। फिर हम इसे सीजर की मदद से काट लेंगे। ये बहुत ही प्यारा सा बड़ा छोटा सा फ्लावर बनकर तैयार हो चुका है आपके सामने, ठीक है। अब हमने जो बड़ा वाला लिया था, ये देखिए जो आपके सामने मैंने 65 सेंटीमीटर वाला लिया था,
तो अब हम उसके उसके लिए एक यही प्रोसेस को दोबारा दोहराएंगे। देखिए दोस्तों, ये एक बड़ा जो मैंने 65 सेंटीमीटर का लिया था वो है, और ये वो जो एक मैंने जो छोटा सा लिया था यानी कि 35 सेंटीमीटर का, इन दोनों को हम अटैच कर लेंगे एक प्यारे से। सबसे पहले इसे धागे से अटैच कर लें। फिर आप बीच में ये देखिए इस तरह से एक बहुत एक प्यारा सा मोटिव सा लगा सकते हैं ग्लू गम की मदद से, ताकि जो इसमें थोड़ी सी और खूबसूरती पैदा कर सकें। ये देखिए बीच में आप एक प्यारा सा, तो देखिए दोस्तों ये बनकर तैयार हो चुका है और ये कितना प्यारा लग रहा है। आप चाहें तो इसे अपने बेबी फ्रॉक्स को बना कर अटैच कर लें या कहीं पर भी अटैच कर लें, बहुत खूबसूरत लगेगा। एंड तक मेरी वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जहाँ रहिए खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।